हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल को समझने पहले से पहले फार्मूला क्या था, क्यू इक्वल टू एन ई, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू एन ई। हम लोग को पता है एन क्या नंबर है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और क्यू क्या है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इट मीन्स एन फाइंड करना है। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इट मीन्स चार्ज कितना गिवन है स्टूडेंट, 1 कूलम। तो आप निकाल सकते हैं क्यू इक्वल टू एन ई, फाइंड करना है एन, देन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ठीक है। तो क्यू की जगह कितना पुट करना है, 1, और ई इज फंडामेंटल चार्ज, इट मीन्स 1.6 × 10⁻¹⁹, क्लियर। इसको थोड़ा सा पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 16 × 10⁻¹⁹ है, ऊपर चला जाएगा तो +19, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 × 16 × 10⁻¹⁸, तो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट कितना मिल जाएगा, 6.25 × 10⁻¹⁸, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10⁻¹⁸, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलग अलग टाइप्स ले रहे हैं जो कॉम्पिटिशन वगैरह में आते हैं। देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, यानी बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट करना है, इट मीन्स क्यू फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, मतलब स्टूडेंट हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में क्या हो रहा है, 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है, इस पर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या गिवेन है स्टूडेंट, एन गिवेन है, ठीक है। तो एन इक्वल टू हो गया 10⁵, तो अब चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्यू इक्वल टू एन ई, है ना, तो एन के जगह 10⁵ इंटू ई के जगह 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। तो देखिए 1.6 × 19 − 19 में +5 ऐड कर देंगे, देन वी गेट −14, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या मिला, क्यू मिला। अब क्यू का यूनिट क्या होता है, चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 × 10⁻¹⁹, यानी कोई एक बॉडी है, क्या उस बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है, तो हो सकता है अगर हमारा एन क्या आ जाए स्टूडेंट, इंटेजर, है ना, अगर हमारा एन क्या निकल के आ जाए, इंटेजर, तो ये चार्ज जो है बॉडी में एग्जिस्ट करेगा। चलिए आइए देखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू एन ई, तो देन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई, ठीक है। चार्ज कितना गिवन है, 4.8 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाई ई के जगह पे 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो है 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो देन क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻¹⁹। अब देखिए ऊपर में पावर कितना है, −18, नीचे −19, ऊपर चला जाएगा तो +19, तो देन स्टूडेंट क्या मिलेगा, 3 × 10⁻¹⁹, है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 30, और 30 इज व्हाट स्टूडेंट, इंटेजर, एन क्या निकल के आ रहा है, 30, और ये 30 हमारा क्या हो गया, इंटेजर हो गया। इसका मतलब है कि बॉडी में इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, फाइंड द चार्ज ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, और 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 kg में कितना है वो आपको फाइंड करना है, 1 kg में कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाता है, तो Me इक्वल टू 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है। तो 1 kg में जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल मास कितना हो जाएगा, तो पहले हमको टोटल मास निकालना पड़ेगा, तो टोटल मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मान लेते हैं 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको क्या कर लिए, लेट n, तो क्या हो जाएगा, n इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल रहने देंगे, है ना, Me कितना है, 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है, और इधर टोटल मास कितना गिवन है स्टूडेंट, 1 kg, तो इधर क्या पुट कर दिए, 1 kg, ठीक ना, तो kg इधर कैंसिल हो गया, तो देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9.1 × 10⁻³¹, ठीक है स्टूडेंट।
चलिए, तो इतना हमारा एन निकल के है, बट हमको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, ये जो सारा क्वेश्चन सब है वो कहाँ पे पूछे जाते हैं, तो नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्यू निकालना है, देन क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एन ई। ठीक है स्टूडेंट, तो एन के जगह पे क्या पुट करना है, 1/9.1 × 10⁻³⁻¹ और ई के जगह पे क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे देन हमको क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 1.76 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, ये चार्ज हमारा निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, क्यू। किस में, तो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 1 kg में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीट टाइप्स का ही क्वेश्चन है और NCERT बेस्ड है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मैं कॉम्पिटिटिव हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स के हों। देखिए स्टूडेंट, बोल रहा है कि इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, है ना, एक बॉडी है, मान लीजिए इस बॉडी का नाम ए रख दिए, और इस बॉडी से क्या हो रहा है स्टूडेंट, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहा है, बोरा टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब ये जो है ना, एक ए से निकल के क्या हो रहा है, बॉडी बी में जा रहा है, और पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है यहाँ से, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब एन हमको गिवन है 10⁻⁹, यानी बॉडी ए से 10⁻⁹ निकल रहा है और वो कहाँ पे इंटर कर रहा है, बॉडी बी में, बोरा एवरी सेकेंड। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बॉडी में बी ए से बी में जा रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टूडेंट कि 1 कूलम चार्ज को बॉडी ए से बी में जाने में, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं टोटल, है ना, कि एक सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे आगे। तो देखिए पहला क्या हो रहा है, चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज हो जाएगा बोलिए, तो क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एन ई, एन कितना है 10⁻⁹, और ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्यू इक्वल टू मिल जाएगा 1.6 × 10⁻¹ कूलम, क्योंकि −19 में +9 कर देंगे तो −10 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इतना कूलम चार्ज जो है वो कितने टाइम्स में ट्रांसफर हो रहा है बॉडी ए से बी में, 1 सेकेंड में, इट मीन्स 1.6 × 10⁻¹ कूलम चार्ज जो है वो बॉडी ए से बी में जा रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो हमको कितने का निकालना है, 1 कूलम का, तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 कूलम चार्ज कितने टाइम पे चला जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹¹। ठीक है, चलिए, और इंटू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो फाइनल हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से मिल जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹ सेकेंड, यानी इतने सेकेंड में 1 कूलम चार्ज हुआ है बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 180 grams ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो किसका होगा, मोल कॉन्सेप्ट, यानी हम लोग को पता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना कंटेंट होगा, तो 6.023 × 10⁻²। ठीक है, इसी को याद करना है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो वाटर हो या कोई भी हो, कॉपर हो, है ना, आयरन हो, तो उसके हर एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 6.023 × 10⁻²। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर गिवन है, तो वाटर का एटमिक मास कैलकुलेट कर लीजिए, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16, प्लस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2, यानी टोटल कितना हो गया, 18। अब इसमें ग्राम लगा दिए, मतलब वाटर के इतने ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, 6.023 × 10⁻²। इट मीन सिस्टम लिखेंगे 18 ग्राम वाटर कंटेंट्स, है ना, 18 ग्राम वाटर कंटेंट्स कितना कंटेंट करता है, 6.023
3 इंटू 10^23, तो 1 ग्राम का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 1 ग्राम वाटर कितना कंटेन करेगा, 6.023 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 18, तो हमको कितने का फाइंड करना स्टूडेंट, 180 ग्राम्स का। तो 1 ग्राम का अगर निकाल लिए तो 180 ग्राम्स का कितना हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10^23 अपॉन 18 इंटू 180, ठीक है। यहाँ से कट कर सकते हैं तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 6.023 इंटू 10^ क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये किस में है, 180 ग्राम्स में, क्लियर। तो वाटर के 180 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, तो H2O, तो ऑक्सीजन में कितना हो गया 8 और हाइड्रोजन में कितना हो गया एटमिक नंबर 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यानी 10 पाए जाते हैं, है ना। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कितना होगा, 10 होगा। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 180 ग्राम वाटर, तो 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, है ना। तो 6.023 इंटू 10^ कितना है, देखिए 24 है ना, अपॉन इतना हो गया। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6.023 इंटू 10^24 और 1 कितना हो गया, 25, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब आपको चार्ज निकालना है तो ये टोटल नंबर निकला, मतलब n निकल गया। अगर आपको चार्ज निकालना है देयरफॉर q इक्वल टू क्या कर देंगे, n ही, तो n के जगह पुट कर देंगे 6.023 इंटू 10^25 इंटू e के जगह पे 1.6 इंटू 10^-19, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वन मोल किसी भी सबस्टांस के वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10^23, ठीक है। चलिए उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास एक। तो नेक्स्ट है टोटल, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर फेनी, ठीक है। तो हम लोग को तो पता है कि वन मोल ऑफ सबस्टांस कितना मॉलिक्यूल कंटेंट करता है, 6.023 इंटू 10^23, इट मीन्स कॉपर के इतने ग्राम्स में ले लेना है ना। मतलब देखिए उसका कितना है 29, तो यहाँ पे 29 ग्राम्स में हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए क्लियर है, तो ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपका बन जाएगा। तो देखिए एटमिक मास कितना है, 6.35 कॉपर का, इसका मतलब है कि 63.5 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे ऑफ कॉपर, ठीक है। कंटेंस कितना कंटेंस करता है, तो 6.023 इंटू 10^23, तो 1 ग्राम कितना कंटेंस करेगा, तो 1 ग्राम 6.023 इंटू 10^23 अपॉन हो जाएगा 63.5, तो हमको कितने का निकालना है, 3.11 ग्राम्स का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3.11 ग्राम्स इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 अपॉन 63.5 इंटू क्या हो जाएगा, 3.11, इतना ग्राम्स मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर में कितने होते हैं, है ना। तो कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है तो उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पे क्या हो गया 29। तो देयरफॉर अब टोटल नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन इन 3.11 ग्राम कॉपर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो 29 इंटू 6. ये हमारा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10^23 अपॉन 63.5 इंटू 3.11, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से टोटल अगर हम लोग करेंगे
तो जो भी वैल्यू आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखें, है ना। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फिर उसमें हम लोग आगे वीडियोस में इसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।